शावेज। अच्छा क्या हुआ, घर क्यों आ गए तुम? मीटिंग कैसी रही? मेरी मीटिंग तो सही रही, तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? मेरी मीटिंग मतलब? तुम्हारे पेरेंट्स के साथ जो तुम्हारी मीटिंग थी उसकी बात कर रही हूँ। हाँ ठीक थी, कुछ बेहतर है। अपनी मंगेतर से माफिया मांग ली तुमने? क्या मतलब तुम्हारा, कैसी बातें कर रही? मुझे बेवकूफ समझते हो तुम? अपने माँ बाप से मिलने का बहाना बनाकर ईशल को वहां बुला लिया और गिड़गिड़ा कर उससे माफी मांग रहे हो, और तुम समझते हो कि मैं तुम्हें शाबाशी दूंगी इस बात की? क्या कह रही हो तुम आसमान, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुमने मुझे धोखा दिया है शावेज, मेरे प्यार को धोखा दिया है तुमने। मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। मैं क्या क्या करोगी तुम? तुमने जो करना था वो तुमने कर लिया शावेज, लेकिन जो मैं करूंगी तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। अच्छा तो क्या करोगी? ऐसा tell me now, what will you bloody do? मैं जो करूंगी वो नजर आ जाएगा, लेकिन आइंदा कान खोलकर एक बात सुन लो। इस अंदाज में तुमने मुझसे बात की ना, तो चाहे मेरा नुकसान हो या तुम्हारा, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। माँ बाप से मिलने का बहाना बनाकर ईशल को वहां बुला लिया और गिड़गिड़ाकर उससे माफी मांग रहे हो, और तुम समझते हो कि मैं तुम्हें शाबाशी दूंगी इस बात की? तुम मुझे इग्नोर करते हो, घर में किसी मामले में मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। मैं फर्नीचर की तरह पड़ी हूं यहां। मैं एक्चुअली तुमसे अपोलोजाइज करना चाह रहा था, शायद मुझसे बहुत बुरा हुआ। शायद शाजिया को जब तुम्हारे अपा का पता चला तो उसने तो उसी दिन रिश्ते से इनकार कर दिया था, ये कह के कि मैं अपने शोहर और असद को क्या बताऊं, इसीलिए उन्होंने माजरत कर ली। ठीक तो किया ना खाला, अगर वो मना नहीं करती तो मैं कर देती। वैसे भी जो लड़की दो तीन अखबार होने के बाद है, मैं जानती हूँ उसकी पोजीशन क्या होती है। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें कोई कमी नहीं। अच्छा दिल बहलाने की जरूरत नहीं है, पहले मेरा शावेज के साथ रिश्ता खत्म हो गया, जब दूसरी दफा शादी होने आई तो मैं अगवा हो गई। मेरी तो आज तक समझ में नहीं आया कि वो लोग थे कौन और चाहते क्या थे, जबकि उन्होंने तुम्हें छुआ तक नहीं। मैं नहीं जानती कौन लोग थे और क्या चाहते थे। कौन है वहां? शावेज आप कब आए और आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं?
जिंदगी अजाब हो गई यार। आप ऐसे मत सोचें, मैंने पप्पो को मनाया है, वो आपको माफ कर देंगी, कुछ ही दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़े दिन में तो जान ही निकल जाएगी मेरी, मैं नहीं रह सकता यार इनके बगैर। ज़्यादत है इनकी, जरूरत है इनकी, मेरी जिंदगी के हर चीज में शामिल है। मैं जब परेशान होता हूँ तो मैं अम्मी के पास ही जाता हूँ, उन्हीं की गोद में सर रख के हमेशा रोया मैंने, और अब वो लोग नहीं है। और मैं बहुत परेशान हूँ। आप इस वजह से परेशान हैं कि अंकल और फुप्पू आपको छोड़ के यहाँ आ गए? ये कोई छोटी बात नहीं है ईश्वर, एक दिन मेरा नहीं गुजरता था जब मैं उनको ना देखूं, और अब मैं कमरे से बाहर निकलता हूं तो एक खाली खामोश घर जिसमें ना किसी अपने की हंसी की आवाज है ना किसी की आठ, वीरान हो गया मेरा घर ईशल। लेकिन आप अकेले तो नहीं, अस्मा आपके साथ है, तो फिर क्यों परेशान होते हैं? हाँ वो है, लेकिन मेरे मामा पापा तो नहीं है ना। अच्छा छोड़े, अंदर चले। नहीं अंदर नहीं, मैं बस यहीं आके रो लिया थोड़ा। आपको तो नहीं रोना चाहिए, आप तो बहुत मजबूत हैं। खाक मजबूत। और एक बात याद रखना मेरी, कोई भी किसी भी वक्त टूट सकता है। ठीक है, कोई भी किसी भी वक्त टूट सकता है। और तुम भी प्लीज मुझे माफ करना। मुझे आपके फैसले पे कोई एतराज नहीं है शाहवेज, लेकिन कभी कभार सोचती हूँ कि शायद अगर आप मुझे पहले बता देते। ये तुम? पप्पो, मुझे लगा कोई बाहर था, जब मैं आई तो शाहवेज थे और इनकी आंखों में आंसू थे। नहीं रह सकता आपके बगैर मामा, खुदा के लिए वापस आ जाएं प्लीज। तो फिर यहीं रह जाओ। बस कर देना मामा प्लीज, कितनी सजा देंगे, और अगर आप नहीं है तो मैं अपना दुख किसके साथ शेयर करूं? कितनी तकलीफ देंगे और कितना दुख देंगी मुझे प्लीज। तुम्हें कोई दुख नहीं है शाहवेज, और तुम क्या जानो कि दुख कहते किसे हैं? अरे सारी जिंदगी तो हमने तुम्हें बचाया दुखों से। ठीक कहते हैं, तो फिर अब क्यों तन्हा छोड़ रही हैं? चले जाओ इससे पहले कि तुम्हारे पापा आ जाएं यहाँ पर, खुदा के लिए चले जाओ। हाँ तो आए ना पापा, क्यों नहीं आते, सामने क्यों नहीं आ रहे, आखिर मुझे डांटे जलील करे लेकिन इस तरह अकेला तो ना छोड़ के बैठे, क्यों मुंह फेर के तरह बैठे? पापा मेरे, आई नीड हिम, आई लव हिम, आई मिस हिम। यही तुम्हारी सजा है, बहुत कम है मगर है। चलो चलो तुम यहां से। वो अगर मैंने शाहवेज को माफ कर दिया है तो आप लोग शायद, तुम्हें इसकी हरकत से इतना दुख नहीं पहुंचा ईशन जितना हमें पहुंचा है। चलो मामा, मामा प्लीज। पप्पू जो अभी आपने किया वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं खुश हूं, मैं सुकून में हूं क्या? माँ हूं मैं उसकी। मैं जब उनके पास गई थी तो वो रो रहे थे, और आपको पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मुझे यहाँ रोने दो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अम्मी की गोद में सर रख के रो रहा हूँ। अच्छा ऐसा कर, जाके उसे अंदर लेकर आ जाओ। वो मेरे कहने से नहीं आएंगे, आपको खुद उनको लेकर आना पड़ेगा। शाहवेज
शावेज, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रफ़ी साहब। जी जी, मैं आसमा बात कर रही हूँ। नहीं नहीं, कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं थी, मुझे सिर्फ पूछना था कि शावेज़ ऑफिस में है। अच्छा, नहीं नहीं, वो बस एक काम था मुझे। अच्छा चले, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जी थैंक यू। जी ऑफिस। तुम खैरियत तो है ना? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? शावेज ठीक है? वो अपने माँ बाप के घर गया था। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो मेरी बात तो कंप्लीट होने दो। वो अपने माँ बाप के घर गया मीटिंग कैंसिल करके, तो मैं उसे फोन करने लगी। उसने एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया, बल्कि मुस्तकिल मेरे कॉल काटता रहा वो। Okay, listen. Sit down, relax. बैठ के बात करते। देखो, वो अपने माँ बाप के पास गया है और तुम जानती हो कि वो उससे नाराज है। वहां बहस हो गई होगी, शावेज परेशान हो गया होगा। तुम पहले पूरी स्टोरी सुन लो मेरी। अच्छा बोलो। उसने जब मेरा फोन नहीं उठाया ना, तो मैंने मजबूरन उनके घर पे लैंडलाइन पे कॉल किया। तुम्हें पता है किसने फोन उठाया? हाँ, तो उसकी अम्मी ने उठाया होगा ना यार। दो चार बातें सुना दी होंगी तुम्हें, और क्या? उसकी अम्मी ने फोन नहीं उठाया, ईशल ने फोन उठाया। यानी कि वहां पे ईशल मौजूद थी और शावेज भी वहां गया था। देखो, शावेज की मदर ईशल की फूफो है, दोनों आपस में कजन्स हैं यार। इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें ये कोई बड़ी बात नहीं लग रही है? नहीं, बड़ी नॉर्मल सी बात है यार। देखो, शावेज और ईशल आपस में कजन्स हैं, उनका 10 मरतबा आपस में आमना सामना होगा यार। तुम्हें यह बात समझनी पड़ेगी, वो वैसे भी ईशल को तुम्हारे लिए ठुकरा चुका है। ये बात तुम्हारे इत्मीनान के लिए काफी होनी चाहिए यार। इस बात पे लड़ी हो तुम उससे? मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैं सारी मीटिंग्स कैंसिल करके घर चली आई। देखो उस्मा, शावेज बहुत अच्छा लड़का है और वो तुमसे बेहद मोहब्बत करता है। तुम प्लीज अपने ज़हन से ये फजूल बातें निकाल दो, प्लीज। मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? देखो, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे और शावेज के ताल्लुकात अच्छे हो, तो तुम्हें उसके खानदान से जुड़ना होगा। वो उसके पेरेंट्स हैं यार, और वैसे भी एक बड़ा हुआ इंसान किसी को खुशी नहीं दे सकता। तुम प्लीज ये चीजें समझने की कोशिश करो। तुम सिर्फ और सिर्फ उसके पेरेंट्स को जाके मनाओ, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? दो चार बातें सुना देंगे। लोग इतना कुछ करते हैं अपनी खुशियों के लिए यार, तुम ये नहीं कर सकते। अस्मा, तुम इतनी कमजोर तो कभी भी नहीं थी यार। मैंने कोशिश की थी यार। कोई बात नहीं, एक दफा फिर कोशिश कर लो मेरे लिए, प्लीज। मेबी तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हें कोई दुख नहीं है शावेज, और तुम क्या जानो कि दुख कहते किसे हैं? अरे सारी जिंदगी तो हमने तुम्हें बचाया दुखों से, यही तुम्हारी सजा है, बहुत कम है।
मगर है। आप क्या सारा वक्त किताब ही पढ़ते रहेंगे? अच्छा जी, फरमाइए। वो मैं कह रही थी कि अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम मेरी बिटिया, आ गई तो एक ही दिन में। बैठो। साथ कौन आया तुम्हारे? कोई भी नहीं, उप्पो तो आना चाहती थी लेकिन मैंने मना कर दिया, अंकल की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैंने रक्षी आंटी को फोन किया था, उन्होंने ड्राइवर भेज दिया, अकेले ही आ गई। अरे हाँ, बताया था रक्षी ने, मेरे जहन से निकल गया। रहमान भाई को क्या हुआ? टेम्परेचर है, थकन की वजह से। मौसम भी बदल रहा है ना। वैसे तुम तो ठीक हो ना बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माशाल्लाह, हमारी बेटी तो बहुत फ्रेश लग रही। अरे भाई क्यों नहीं लगी, पुपी से मिलकर आ रही है, ढेर सारी बातें की होंगी, खूब खुश रही होगी वहां पर। वैसे रबिया बहुत प्यार भी तो करती है हमारी ईशल से। वो मुझसे वाकई बहुत प्यार करती है, मेरे वहां होने से वो कितनी खुश थी बता भी नहीं सकती। जाओ बेटा, बैग रख कर आओ अंदर। ईशल, लो कोई है ही नहीं। हैं? बाहर की कौन? हेलो। हारिस बेटा, मैं रक्षी आंटी बोल रही हूँ। कैसे हो तुम तो? गायब हो गए भाई, उस दिन के बाद नजर ही नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आंटी कैसी हैं आप? मैं वो दरअसल पाकिस्तान में हूँ नहीं, मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ इसलिए नहीं आ सकता। हाँ फायजा बता तो रही थी, देखो मेरे जहन से ही निकल गया। मैं भी सोच रही थी कि बाहर से कॉल कौन कर सकता है, इसीलिए मैंने फोन उठा लिया। बेटा ईशल तो बाहर है, कमरे से बाहर है, यहाँ नहीं है। अच्छा ये बता कब आ रहे हो? आंटी अभी आने में कुछ वक्त लगेगा, यहाँ कुछ काम है, वो खत्म होंगे तो फिर आऊँगा। आप मुझे ये बताइए कि ईशल कैसे? सच कहूँ मुझे उम्मीद नहीं थी कि ईशल खुद को इतनी जल्दी संभाल लेगी। से गुजरी थी वो, क्या क्या बातें बनाई लोगों ने, हमने तो ईशल को लोगों के सामने आने ही नहीं दिया। मेरे सामने कोई बात करता है ना तो खूब सुनाती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि पहले से बहुत बेहतर है। अच्छी बात, वैसे बड़ी मजबूत लड़की है ईशल। बड़ी खुशी हुई है मुझे ये जान के वो अब बेहतर है। हाँ बिल्कुल नॉर्मल है माशाल्लाह। अपनी फुप्पो के यहाँ गई हुई थी, आज ही आई है वहां से। अगर तुम होल्ड करते हो तो मैं बुलाती हूँ उसको। नहीं नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं फिर कभी करूंगा ना कॉल। आप अंकल और आंटी को मेरा सलाम कहिएगा। चलो ठीक है, ना ख्याल रखना, और जैसे ही आओ ना तो यहाँ आना जरूर। हमने तो ईश्वर को बताया था कि तुम उसकी वजह से कितने परेशान थे और कितनी भाग दौड़ की थी तुमने। भाई कोई सगा भी होता ना वो भी इतनी मेहनत ना कर। नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं, आप तो जानती हैं ना कि ईशल मेरी दोस्त है, तो बस परेशान था, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो तुम्हारी अच्छाई है बेटा। बात बताऊं, बड़ा अफसोस हुआ था कि अजीम ने तुम्हारे रिश्ते को ठुकराया, वरना तुमसे बढ़कर ईशे के लिए कोई नहीं हो सकता शायद। नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, देखे ना वो बड़े हैं, उन्होंने जो फैसला किया होगा सोच समझ के किया होगा, कोई बात नहीं। बस देखो बेटा, रिश्ते जबरदस्ती तो जोड़े नहीं जा सकते ना। जब ईशल नहीं चाहती थी तो फिर हम फैसला कैसे कर सकते थे? मैं बिला वजह की बातें ले बैठी, तुम यूं करो कि बाद में उसे कॉल करके बात कर लेना, ठीक है ना बेटा? अच्छा बेटा, खुदा खुदा। बस यार यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने कहा तुझसे मिलता हुआ जाऊँ,
तेरे पास तो टाइम ही नहीं मिलने का। नहीं यार, अच्छा किया तू आ गया, बस कामों में बिजी था इसलिए मसरूफ था थोड़ा। अच्छा बताओ, रात को घर क्यों नहीं गए, कहाँ थे? मुझे तुम्हारी शक्ल देख के ही अंदाजा हो चुका था कि आसमान ने तुमसे सिर्फ शिकायतें की हैं मेरी। नहीं, शिकायतें नहीं लगाई, परेशान थी तुम्हारे लिए। उसने मुझे बताया कि तुम घर नहीं आए रात को। गया था घर, बस कमरे में नहीं गया, लाउंज में जाकर सो गया और सुबह उठ के जल्दी निकला, शायद इसलिए उसको लगा कि मैं नहीं आया। क्यों? मुझसे नहीं होता आरफ, घर की बातें करना, शिकायतें करना। मैं सिर्फ उस दिन के इंतजार में हूं जब सब कुछ या तो ठीक हो जाएगा, या अगर नहीं भी होता तो मैं चुप करके मान लूंगा कि मेरा ही इंतखाब था। तो तुम अपनी जिंदगी जबरदस्ती उसके साथ गुजारोगे? तो क्या करूं और क्या करूं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आसमा के साथ इस कदर कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी गुजारूं। हम दोस्त थे यार, वी वर इन लव। मुझे लगता था हम खुशी खुशी जिंदगी गुजारेंगे और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद मैं ही गलत हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इशू तो है, वैसे इस सारी सिचुएशन से वो खुद भी बहुत परेशान है, पर मुझे लगता है कि कुछ दिनों में सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और वो अपने बिहेवियर पे शर्मिंदा भी है। देखो शावेज, अस्मा बहुत जज्बाती लड़की है। तो मैं भी जज्बाती हूँ। दुनिया में मेरे ख्याल से कोई भी इंसान नहीं है जो जज्बात से आ रही हो। तुम उसको ये समझाओ कि वो इस हद तक चीजों को ना पहुंचाए जहां मैं अगर जज्बाती होगी ना तो फिर कुछ भी हो सकता है। सो प्लीज मेक हर अंडरस्टैंड। तुम ठीक कह रहे हो, मैं समझ सकता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि अस्मा को मैं जाके समझाऊं ये चीज। बहरहाल अब ये बात खत्म करो, अब मैं सिर्फ ये सुनना चाहता हूँ कि सब चीजें ठीक होगी। ओके, दुआ करो। आसिया जी। बीबी जी, मेरे लिए जरा कॉफी बना दो। जी। अच्छा सुनो जी, ये शावेज की मामा क्या गुस्से वाली है? नहीं नहीं बीबी जी, दोनों मियां बीबी बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल गुस्सा नहीं करते। अच्छा, देखने में तो बड़े खरांट लगते हैं। हाँ तुम मेरे लिए कॉफी बना लो। जी अच्छा बीबी जी। लो ईशल, दोबारा तुम्हारे लिए चाय बना कर लाई हूँ, अब इसे ठंडा ना करने देना। अरे खाला, आपने क्यों बनाई, मैं बनाती थी। अरे उसकी क्या जरूरत थी, पहले मैं जब चाय बना के लाई थी तो तुम कमरे में ही नहीं थी। हाँ उससे याद आया, वो हारिस का फोन आया था बेटा तुम्हारे मोबाइल पे, परेशान है तुम्हारे लिए। हारिस का फोन आया था मेरे मोबाइल पर? हाँ वो बाहर का नंबर था ना, इसीलिए मैंने उठा लिया। मैं समझी शायद कोई जरूरी कॉल ना हो, बस तुम्हारी खैरियत मालूम करा था। मैंने उसे बता दिया कि तुम अल्लाह का शुक्र है ठीक हो बिल्कुल। खाला आपको उसे इतनी बात करने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा पूछ रहा था तुम्हारी खैरियत, तो कैसे टालती मैं, वैसे भी उससे सब कुछ मालूम है, उसे छुपाने का क्या फायदा। वो तो ठीक है मगर। अच्छा बस कहो, खैरियत मालूम करने के लिए तो उसने फोन किया था, कौन सी ऐसी कोई अनोखी बात कर दी उसने? और सच कहूँ ना तो बहुत ही अच्छा लड़का है हारिस, बिला वजह तुमने उसके रिश्ते से इनकार कर दिया। प्लीज खाला। अच्छा बाबा गलती हो गई, आइंदा तुम्हारा कोई फोन नहीं उठाऊंगी मैं। और मुझे क्या पता था कि हारिस का फोन है। ये जो चाय पियो ठंडी हो जाएगी, हांडी चढ़ाई दी है, मैं जाके देखूं जरा। शावेज आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। शावेज तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? मैं कह तो रही हूँ कि I'm sorry। चलो अच्छी बात है तुमने sorry तो कहा, एहसास हो गया ना कि मेरे parents के मामले में तुम overreact कर रहे हो। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैंने वाकई बहुत overreact किया था। But seriously अब मैं कोशिश करूंगी कि हमारे बीच में कोई और misunderstanding ना। चलो अच्छी बात है, खुशी हुई मुझे कि तुम्हें गलती का एहसास हो गया। गलतियां हो जाती है इंसान से यार बस, लेकिन उनसे सीखना चाहिए और फिर कोशिश करनी चाहिए कि वही गलती एटलीस्ट रिपीट ना हो। ऐसा मुझे कुछ और नहीं चाहिए,
मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ यार, तुम्हारे साथ एक सुकून वाली और प्यार भरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, और तुमसे वैसी मोहब्बत करना चाहता हूँ जिस तरह हम एक दूसरे से शादी से पहले करते थे। याद है ना किस तरह मेरा ख्याल रखती थी तुम, मेरी छोटी सी परेशानी पे परेशान हो जाती थी और मेरी हर खुशी को अपनी खुशी समझती थी। मुझे वो वाली आसमां चाहिए यार, प्लीज मुझे शर्मिंदा तो मत करो ना। मैंने कहा है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि इस तरह की कोई गलती रिपीट ना हो। अब देखो ना, इसी सारे किस्से में मैंने 2 बार मीटिंग कैंसिल की है। आई नो, और अब तुम्हें दोबारा मीटिंग को कैंसिल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंशाल्लाह कल हम सारी डिटेल्स फाइनल कर लेंगे। रियली? जी। वो शावेज, मैं सोच रही थी कि मम्मी पापा के पास चले। नहीं, मेरा नहीं ख्याल उनके पास जाना चाहिए, वो इस तरह से नहीं मानेंगे। मैं भी सोच रहा था कि कोशिश की जाए, लेकिन फिर मैं ये सोच रहा था कि मामू को कॉल करूं और उनसे कहूं कि अगर वो मामा पापा को फोन करके उनको मनाने की कोशिश करें। हाँ हाँ बिल्कुल, फोन करो उन्हें, बिल्कुल बात करो। अब मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मामू, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? बस अल्लाह का शुक्र मामू। मामू मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे किन लफ्ज़ों में माफ़ी मांगू। आई एम वेरी सॉरी। देखो बेटा, जो होना था वो हो गया, हम गुजरे हुए वक्त को वापस नहीं ला सकते, इसलिए जो बातें तकलीफ दें उन्हें भूल जाना ही अच्छा होता है। तुम भी खत्म करो इस बात को। ये बताओ कि तुमने फोन क्यों किया? जी मामू, मुझे भी एहसास हो रहा है कि मुझे इस तरह बार बार आपको तकलीफ नहीं देनी चाहिए। मामू बात दरअसल सिर्फ इतनी है कि मामा पापा के घर छोड़ के चले जाने की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, और मैं सोच रहा था कि इस सिलसिले में अगर आप मेरी कुछ मदद कर सकें तो मैं आपका बहुत एहसानमंद रहूँगा। मैं बस चाहता हूँ वो किसी भी तरह वापस आ जाए। हाँ बेटा, मैं आज ही कुछ से ऐसी यही बात कर रहा था। दरअसल बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए मैं रहमान भाई से ज़्यादा बात नहीं कर सका। तुम फिक्र मत करो, मैं 2-1 दिन में जाऊँगा, बात करूँगा उनसे। थैंक यू सो मच मामू, आपने हमेशा मेरा साथ दिया और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा मैं किन लफ्ज़ों में आपका शुक्रिया अदा करूँ। तुम हमारी औलाद की तरह हो, जो कुछ हमसे हो सकेगा तुम्हारे लिए हम जरूर करेंगे, बस तुम अपना ख्याल रखो। जी आप भी ख्याल रखिएगा मामा, और मामी को भी मेरी तरफ से बहुत सलाम कहिएगा। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बाहर के नंबर से कॉल आ रही है। वो हारिस का फोन आया था बेटा तुम्हारे मोबाइल पे, परेशान है तुम्हारे लिए। बाहर का नंबर था ना, इसीलिए मैंने उठा लिया। मैं समझी शायद कोई ज़रूरी कॉल ना हो, बस तुम्हारी खैरियत मालूम कर रहा था। मैंने उसे बता दिया कि तुम अल्लाह का शुक्र है ठीक हो बिल्कुल। भाजी बेगम साहब बुला रही है, तुम चलो मैं आती हूँ। क्या करूं क्या करूं, एक काम करती हूँ, रॉन्ग नंबर के नाम से सेव कर लेती हूँ।
जी अम्मी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, अपने अब्बा के लिए चाय बना दो। मैंने तो कहा कि मैं बना देती हूँ, बोले नहीं ईशल बनाएगी। मैं बना देती हूँ। तुम्हें पता है आपा फिर से इस्लामाबाद जाने का कह रही थी। नहीं अम्मा, नहीं जाने दें, बिलावा जो उदास होके वापस आती हैं। मैंने तो मना किया, लेकिन कह रही हैं कि दो चार दिन में वापस आ जाएंगी। कोई ज़रूरत नहीं है, एक तो वो किसी को कुछ बताती भी नहीं है, उतरी हुई शक्ल लेके आती हैं और कुछ नहीं होता। हाँ बेटा जानती हूँ मैं, जाहिर है बेटी दामाद के पास रहना कौन सा आसान होता है। वो जाना भी कहाँ चाहती हैं, लेकिन हमीद है जो बार बार फोन करके उन्हें बुला रहा है। जाहिर है अपने बच्चों के लिए उनकी थोड़ी परवाह है, हाया जो मिली हुई है मुफ्त की। अरे ये रॉन्ग नंबर से किसका नंबर सेव किया हुआ तुमने? वो अम्मी फाइजा है ना, उसने नया नंबर लिया है, तो तंग करती रहती है, तो मैंने रॉन्ग नंबर से सेव कर लिया। अच्छा, आप चाय पियेंगी? नहीं बेटा, मैं कहाँ पीती हूँ रात में चाय। क्या मुसीबत है, मेरी जान के पीछे पड़ गया, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अच्छा तो तुमने पूछा नहीं कि वो क्यों पूछ रही है? पूछती तो कौन सा बता देती, मैंने कह दिया दोनों मियां बीवी अच्छे हैं। कहने लगी झूठ मत बोलो, माँ तो मुझे बहुत खुराट लगती है। अच्छा, बीबी जी को खुराट कह रही है? खुराट तो वो खुद है। नफरत है मुझे उस औरत से, पूरा घर बर्बाद कर दिया उसने आते ही। वही तो, और हाँ हर दूसरे दिन साहब से लड़ती है। अच्छा क्यों? क्या पता, आए दिन जोर जोर से लड़ने की आवाजें आती रहती हैं। साहब तो अक्सर लाउंज में सोए हुए होते हैं। तौबा तौबा। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज़, मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। जी बीबी जी, जरीना मेरे जरा कंधे दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। किसका फोन था? जी आसिया का फोन था। आसिया का फोन था, क्या कह रही थी? अरे शावेज तो ठीक है ना? उससे कहना कि मुझे जरा फोन पे उसकी खबर देती रहा करे, बड़ी फिक्र रहती है मुझे उसकी। वो कह रही थी कि अस्मा बीबी तो उनसे बहुत लड़ती हैं। जबी तो मैं कहूँ कि वो रोज भाग भाग के यहाँ क्यों चला आता है? पता नहीं कहाँ से उठा के लेकर आ गया इस लड़की को। और ये भी कह रही थी कि छोटे साहब अक्सर लाउंज में सोते हैं। बताओ जरा, पता नहीं किसको लेकर आ गया घर में। ईशल होती तो आज को मेरा घर भरा रहता। जी ईशल बीबी तो बहुत अच्छी है जी, मुझे बहुत अफसोस है, वो जब आई थी तो मैं उनसे मिल ही नहीं सकी। अरे कोई बात नहीं, दोबारा मिल लेना उससे। पता नहीं इस लड़के ने जो किया है ना, तुम देखना एक दिन खुद पछताएगा। वो हमीद कह रहा था कि उसने मेरी टिकट कर दी। मैंने कहा भाई देखो, मैं ज्यादा दिनों के लिए नहीं आ सकती, बस दो तीन दिनों के लिए आ रही हूँ। अरे आप आखिर दो दिन के लिए आप जा क्यों रही हैं? कुछ कागजात हैं, उन पे दस्तखत करना है। कैसे कागजात? आप कहीं आप अपना मकान तो उसके नाम नहीं कर रही? मैं क्या करूँगी मकान लेके भाई, यही तो मेरी बच्ची है, मेरे बाद उसी को चला जाएगा। आपा ये क्या कर रही हैं आप, हमीद के ढंग देख रही हैं आप, फिर भी ये सब कुछ करने को तैयार है? क्या करूँ, करना पड़ेगा ना। और अगर उसने मकान बेच दिया तो क्या, वैसे भी यहाँ रह रही हूँ, हमेशा के लिए आ जाऊंगी। अब मामा बाबा ने दवाई खा ली है? नहीं मैंने तो नहीं दी, और उन्होंने खुद भी नहीं ली होगी। ऐसा करो बेटा तुम दे दो। हाँ और सुनो, ये कपड़े अलमारी में रख दो, इसको सही से तय लगा देना। जी। अब आपने तो मुझे परेशान ही कर दिया।
इस वक्त कौन आ गया? जी आप कौन? मेरा नाम अस्मा है, शावेज के साथ।